ये है 2024 मॉडल बजाज चेतक प्रीमियम, और इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ और आप देखेंगे ब्लिंक कर रहा है इसका इंडिकेटर। अब आप कहेंगे प्रीमियम कैसे है, तो यहाँ पर देखो आप, ये है इसमें 5 इंच का फुली डिजिटल मीटर। अब आपको इसमें कलरफुल मीटर मिल रहा है, TFT स्क्रीन है, और ये है ब्लू कलर। और भाई मैं इसकी चल रहा हूँ टेस्ट राइड करने के लिए, और आपको बताऊँगा कि इस 2024 मॉडल को चलाने में मुझे व्यक्तिगत कैसा लगा। ये फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, मतलब ऑल मेटल है, तो इसलिए इसको लोहा लाट भी बोला जाता है। मतलब जो लोग मजबूत स्कूटर ढूंढते हैं उनके लिए एक बेहतर सौदा है। और मैं आपको बता दूँ, ये स्कूटर आपको JPS बजाज रिंग रोड टेढ़ी पुलिया पर मिल जाएगा। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं, और ये फुली ऑटोमेटिक है। मैं इसको ज़रा, जैसे यहाँ पर मैंने ऑन किया, एक बार बटन दबाऊँगा और ये हो जाएगा ऑन। हो जा भाई, ये देखिए ये आपके सामने ऑन हो चुका है। और अब करते हैं इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत। चाबी मैंने जेब में रख ली है, और इसके शुरुआत के लिए पहले मुझे ब्रेक और डी मोड को दबाना होगा, और ये ड्राइव हो चुका है। अब इसको जैसे ऑक्स बैटरी वोल्टेज 14.2 वोल्ट है इसमें, और इसके ये 26 किलोमीटर चला हुआ है, 67 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो इको मोड में सबसे पहले मैं चला कर देखूँगा कि चलता कैसे है भाई। और मैं आपको बता दूँ फिलहाल कि रोड बंद है, इसलिए मैं एक ही रोड पर चलाऊँ जाऊँगा भी और आऊँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इधर उधर करना नहीं है। तो अभी मैं इको मोड में चला रहा हूँ बजाज चेतक प्रीमियम। तो भाई शुरुआत करते हैं इस प्रीमियम स्कूटर की टेस्ट राइड की, और देखो पहले टॉप स्पीड देख लें। देखो यहाँ पर चढ़ाई है, यहाँ पर चढ़ाई है, सत्तर तक जा रहा भाई। अब मैं ज़रा इसका मोड चेंज कर देता हूँ, मोड और मूड दोनों चेंज कर देता हूँ। अब देखो रेड हो गया है, स्पोर्ट मोड लग चुका है। अरे बाप रे बाप, ये तो गोली हो गया। यहाँ पर ढलान है, आपको ये भी ध्यान देना है, 80 तक जाता है ये भाई। तो भाई 80 तक ये स्कूटर जा रहा है। तो स्पोर्ट मोड में ये 80 तक जा रहा है। अब मैंने भगा कर देख ली, अब मैं ज़रा मोड़ लेता हूँ। और ये समय सारी रोड बंद है, आप देख लें, इसलिए यहाँ पर मुझे रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इसके राइड रिव्यू की कि चलाने में कैसा। तो देखो सीटिंग पोजीशन बढ़िया है, हैंडल एकदम स्पोर्टी है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ओला में थोड़ा सा उठा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी उठा नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट साइज़ है इसके हैंडल का। तो जैसे अगर कोई स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट लेते हैं, उनको थोड़ा सा स्पोर्टी फीलिंग आनी चाहिए, तो वहाँ पर बिल्कुल स्पोर्टी फीलिंग आएगी। और एक छोटी सी बात जो कोई बात ही नहीं करता, जैसे अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपके कट्स भी बढ़िया दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मेन चीज़, देखिए इसके राइडिंग क्वालिटी की। तो देखिए इस स्कूटर को चलाने के बाद आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आप जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, आपको ये एहसास होगा कि आप जैसे कोई पेट्रोल स्कूटर चला रहे हैं। वज़न के हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब बहुत ही भारी भरकम है ये स्कूटर, और मतलब ये हिलता डुलता नहीं है चलते समय। ये बहुत अच्छी बात मुझे इस स्कूटर की लग रही है कि एकदम भारी भरकम प्रीमियम लग रहा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अगर जैसे मैं 45 से 46 की स्पीड में, 50-55 की स्पीड में ब्रेकिंग करता हूँ, डिस्क ब्रेक तो है, डिस्क ब्रेक तो है इसमें बढ़िया। ये देखिए ब्रेकिंग एकदम बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मुझे इसमें कुछ कम मज़ा आया, जैसे इसका हैंडलिंग, हैंडल तो सही है लेकिन देखिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ,
अब हो सकता है हवा कम हो सकता है कि इसमें हवा कम हो, और मुझे जैसे हैंडल थोड़ा भारी लग रहा है, जैसे टर्न करने में मुझे हल्का सा जैसे कठिनाई महसूस हो रही है। बाकी वैसे आपको रियल लाइफ में जैसे हो सकता है कई दिन से खड़ा हो तो इसमें हवा ना हो, इसलिए ऐसा फील दे रहा हो ये, और दोनों ब्रेक एक साथ मिलके लग रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर इसके हैंडलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू लगा है, हो सकता है वो ब्रेक वो हवा कम हो सकता है इसकी वजह से हो। बाकी जैसे हैंडल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, और राइडिंग कंफर्ट सही है इसका। रही बात पिकअप की, तो एक बार मैं पावर मोड में मतलब स्पोर्ट मोड में खड़ी करके फिर उसके बाद भगाता हूँ। इस वाले रोड को बंद कर दिया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मिंटू भाई तुम वो रॉन्ग साइड चला रहे हो, तो मैं रॉन्ग साइड बिल्कुल भी नहीं चला रहा हूँ। अगर आप इसका पावर मोड लगा लेते हैं भाई तो एकदम मज़ा आ जाएगा, मतलब कि आपको एकदम स्मूथ फीलिंग भी आएगी और साथ में आपको अच्छा खासा पिकअप भी मिल जाएगा, तो स्पोर्ट मोड में आपको चलाने का मज़ा ही कुछ और मिलने वाला है। अब देखिए ये रोड बंद है, यहाँ से कोई भी आ जा नहीं रहा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि भैया मैं रॉन्ग साइड इसीलिए मैं जाने वाला था। अब देख लेते हैं कि इसमें रिवर्स मोड लगता है कि नहीं लगता है। इसको प्रेस करके रखते हैं रिवर्स मोड को, और ये देखिए अरे जा तो रहा है यार, देखो जा रहा है भाई। अब देखिए रिवर्स मोड हट चुका है और अब मैं इको मोड में हूँ, लेकिन मैं पावर मोड लगा लेता हूँ और चीरता हूँ इसको। हवा कम है भाई इसकी, इसीलिए हैंडलिंग थोड़ी सी टाइट लग रही थी, बाकी हैंडलिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही ना हो। चलें, तो भाई अब अगर बात करें टोटल इसके रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की, तो देखिए 1,45,000 रुपये में हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये ऑन रोड प्राइस में मिलता है, जिसमें फुल मेटल बॉडी मिलती है, फुली ऑटोमेटिक स्कूटर मिलता है जिसमें कॉल नेविगेशन, लेकिन आप 9,000 उसमें और जोड़ देंगे तभी आपको फुल एक्सेस मिल पाएगा जैसे नेविगेशन का या फिर रिवर्स मोड का ये। और इसके अलावा इसमें कंपनी को चाहिए कि जो अर्थिंग वाली चार्जिंग है इसको हटा देना चाहिए, जुगाड़ से चार्ज हो जाएगा लेकिन आपको फ़िलहाल वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो चार्जिंग का मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा और बाकी सब कुछ सही है। जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है, ये जो बिल्ड क्वालिटी में मिल रही है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो 126 किलोमीटर की रेंज है, 80 की टॉप स्पीड है, जो आपका काम रोज़ का बिल्कुल सही चला देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन हार्ड है भाई, सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। तो भाई ये है रिव्यू, मैंने चलाकर बता दिया। देखा जाए तो आपको इस प्राइस रेंज में जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जो फीचर्स मिल रहे हैं, वो सही हैं। आप चाहें तो एक बार टेस्ट राइड करें, फिर उसके बाद आप मूड बनाएं। आपको कैसा लगा ये स्कूटर, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।